बीएड में आवेदन के लिए पोर्टल शुरू, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस बार ग्रीवांस बटन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को दो वर्ष सीटी बीएड और शिक्षा शास्त्री 2023 के लिए आधिकारिक पोर्टल का उद्घाटन किया है। कुलपति ने कहा कि इस बार अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पोर्टल पर ग्रीवांस बटन का प्रावधान किया गया है। फॉर्म भरने के समय अगर किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो इस बार अभ्यर्थियों को फोन या ईमेल करने की जरूरत नहीं है। इस समस्या के निदान के लिए इस बार वेबसाइट पर ग्रीवांस वाले ऑप्शन में अभ्यर्थी अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर के साथ अपनी परेशानी या शिकायत दर्ज कराएंगे और 10 मिनट में आईटी टीम उनकी समस्याओं को निदान कर उन्हें बात की जानकारी देगी। कुलपति ने कहा कि इस बार पोर्टल पर अभ्यर्थियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डैशबोर्ड बनाया गया है। गाइडलाइन बढ़कर फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आज से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी 20 फरवरी से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दो वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री 2023 की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। विलंब शुल्क के साथ 16 से 20 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी प्रकार की त्रुटि का सुधार 16 से 20 मार्च तक कर सकेंगे। एडमिट कार्ड 30 मार्च से डाउनलोड होगा। परीक्षा की संभावित तिथि 8 अप्रैल है। सामान्य श्रेणी के लिए ₹1000, एड ब्लूएस महिला बीसी एवं ईबीसी के लिए ₹750 और एससी एवं एसटी के लिए ₹500 शुल्क निर्धारित है। प्रोफेसर मेहता ने कहा कि फॉर्म भरने में अभ्यर्थियों को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो वो कार्यालय अवधि में हेल्पलाइन नंबर 07314629842 तथा 9431041694 एवं ईमेल से संपर्क कर सकेंगे। प्रोफेसर मेहता ने कहा कि राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के 342 कॉलेजों में कुल 37,350 सीटों पर दो वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है।